स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 का। इसमें चैप्टर 7 में रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना है। इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, पहला क्वेश्चन है लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड क्वेश्चन है इंसेक्ट्स हैव ऑर्गन्स कॉल्ड ट्रेचिया फॉर रेस्पिरेशन, इंसेक्ट्स हैव ऑर्गन्स कॉल्ड ट्रेचिया फॉर रेस्पिरेशन। थर्ड क्वेश्चन है टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन, ऑक्सीजन टेकिंग इन ऑफ एयर हवा को लेना रिच इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसमें ज्यादा अमाउंट होते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे इनहेलेशन। फोर्थ क्वेश्चन है एन एडल्ट ह्यूमन बींग्स नॉर्मली ब्रीड्स फ्रॉम, तो 14 to 20 times per minute। फिफ्थ क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ लंग्स इज कंट्रोल्ड बाय द रिब केज, मूवमेंट ऑफ लंग्स इज कंट्रोल्ड बाय द रिब केज एंड द डायफ्राम एंड द डायफ्राम। सिक्स क्वेश्चन है हेमोग्लोबिन एक्ट एज द रेस्पिरेटरी कैरियर इन आवर बॉडी, हेमोग्लोबिन जो है वो आपको एक्ट एज द रेस्पिरेटरी कैरियर इन आवर बॉडी। वी मैच द फॉलोइंग, मैच वाला क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का होगा सी यानी मसल्स क्रैम्प्स, लैक्टिक एसिड का बढ़ जाने से मसल्स क्रैम्प बढ़ता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है स्टोमेटा, स्टोमेटा जो है वह ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है जब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हो जाता है। रेस्पिरेटरी कैरियर, रेस्पिरेटरी कैरियर के रूप में हेमोग्लोबिन है जो लंग्स से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। लेंटिकल्स, तो लेंटिकल्स जो है पोरस और ब्रांचेज जो स्टोमेटा का अल्टरनेटिव है, पोरस ऑन ब्रांचेज। फिफ्थ क्वेश्चन है अल्कोहल, अल्कोहल का डी होगा फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट, है ना, ईस्ट का फर्मेंटेशन करना। सी में है टिक द करेक्ट ऑप्शन, तो चार ऑप्शन दिया है, पहला है रेस्पिरेशन हेल्प्स इन, तो लोकोमोशन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑब्टेनिंग एनर्जी, तो इसमें क्या होगा ऑब्टेनिंग एनर्जी, रेस्पिरेशन हेल्प्स इन obtaining energy। Second question है stomata perform the function of, तो चार option है absorption of water, absorption of